दोस्तों होंडा एक्टिवा 6G और एच स्मार्ट में क्या अंतर है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आप मॉडल और डिज़ाइन को देखेंगे तो कोई भी अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा, कोई भी कॉस्मेटिक चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसमें आपको LED लाइट मिलती हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलती हैं, और बल्ब वाले इंडिकेटर दोनों ही बाइक में स्कूटर में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट डिज़ाइन और जो क्रोम फिनिश है, ये सारी चीज़ें दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो एलॉय व्हील आपको मिलेगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा लेकिन आपको रिम मिलेगी, पहिए मिलेंगे, एलॉय व्हील नहीं मिलेगा। तो ये अंतर दोनों ही स्कूटर में रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों अब जैसे अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक्टिवा 6G लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर आपको एक्टिवा एच स्मार्ट लिखा हुआ मिलेगा, और साइड में कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप पीछे से देखेंगे तो पीछे से भी डिज़ाइन में कोई भी परिवर्तन नहीं है, सीट पर होंडा लिखा हुआ है, बैकलाइट, इंडिकेटर, सारी चीज़ें सेम टू सेम वही बनाई गई हैं। साइलेंसर में भी अगर आप देखेंगे तो कोई अंतर नहीं, सिर्फ इनके पहियों में, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे पहियों में, यहाँ पर एलॉय व्हील में अंतर दिया गया है, बस इसके अलावा कोई अंतर नहीं दिया गया है। अगर आप देखेंगे इसका पेट्रोल टैंक पीछे से खुलता है, इसका भी खुलता है। लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि अंतर क्या है। यहाँ पर अब ये कीलेस हो चुका है, इसमें दो रिमोट आपको मिलते हैं, और यहाँ पर आपको चाबी लगाने का कोई भी सिस्टम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको चाबी मिलेगी, यहाँ पर आपको चाबी मिलेगी, और यहाँ पर आप इस चाबी को लगाएंगे, इसको यहाँ से खोलेंगे, सीट और फ्यूल खोलेंगे, तो मतलब इसमें ये की वाला स्कूटर है और वो कीलेस हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आप अपने स्कूटर को इस बटन को दबाकर ढूंढ सकते हैं, ये देखिए, ये आप इसको ऐसे ढूंढ सकते हैं, और यहाँ पर एच स्मार्ट लिखा हुआ है, यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ऐसे करके ये लॉक हो गया, और अगर ग्रीन बटन हो गई तो ये अनलॉक हो गया। लेकिन इसमें आपको सिर्फ यहीं से करना होगा, यहीं से आपको सीट खोलना होगा, यहीं से लॉक करना होगा, सब कुछ यहीं है, सीट ये सारी चीज़ें टांगने की व्यवस्था वही है। अगर आप मीटर देखेंगे, मीटर में एनालॉग मीटर मिलता है, और सिर्फ दोनों में ही यहाँ पर आपको स्पीड बताएगा, फ्यूल मीटर, यहाँ पर चेक इंजन लाइट, और यहाँ पर हाई बीम की लाइट, और यहाँ पर ये किल स्विच, यहाँ पर हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न, यहाँ पर इम्बोलाइजर्स का सिस्टम, यहाँ पर आपको ये हाई बीम, यहाँ पर चेक इंजन लाइट, यहाँ पर आपको लो बैटरी, यहाँ पर आपको साइलेंट स्टार्ट, सारी चीज़ें साइलेंट स्टार्ट उसमें भी मिलेगा, लेकिन जो अंतर है वो यही है। अब अगर आप इसको, इन दोनों स्कूटर को लेफ्ट साइड से देखेंगे तो अगर आप पहियों को छोड़ दें, एलॉय व्हील को छोड़ दें, तो दूर से कोई नहीं बता सकता है कि दोनों में क्या अंतर है। दोनों सेम टू सेम है, वो 6G है, ये एच स्मार्ट है, अभी 7G नहीं आया। लेकिन एक बड़ा अंतर आप देखेंगे, इसमें किक नहीं है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें भी किक आपको मिल जाती है, ESP टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इसके भी सस्पेंशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं, 90-110 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे 90-110 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। तो टायर वायर में कोई भी अंतर नहीं है, साइलेंसर का डिज़ाइन सेम टू सेम बनाया गया है। और अगर आपको आगे दिखाऊँ, MRF का टायर मिलता है, और वो भी, अरे क्या है, 90-90-12 का ट्यूबलेस टायर, यहाँ पर 90-90-12 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। तो ये अंतर है, बस इसके अलावा भैया कोई अंतर नहीं। प्राइस की बात की जाए, लगभग 95,000 रुपये का ये है, और ये लगभग इससे 5,000 या 7,000 रुपये कम होगा, प्राइस कंफर्म नहीं इसकी। तो यही अंतर है इन दोनों स्कूटर में, इसके अलावा कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको इनमें से कौन सा स्कूटर ज़्यादा पसंद आया, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को, राहुल वर्सेस मिंटू बाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। 5 Points by मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं, वहां पर आप खरीद सकते हैं। तो भाई इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।